नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी। ये बुलेटिन की शुरुआत एक अहम खबर के साथ। उत्तराखंड में हरीश रावत सरकार मुश्किल में घिर गई है। कांग्रेस के कुछ विधायक हैं जो कि आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी का दामन थामने वालों में एक कैबिनेट मंत्री भी शामिल हैं। अगर ऐसा हुआ तो राज्य में कांग्रेस की सरकार अल्पमत में आ जाएगी और सरकार गिरना तय है। उत्तराखंड विधानसभा में 70 सीटें हैं जिसमें कांग्रेस के खाते में 36 हैं, और जबकि बीजेपी के पास की अगर बात करें तो 28 सीटें हैं। फिलहाल क्या समीकरण है ये हम यहां पर आपको बता रहे थे, लेकिन इस वक्त ये एक अहम खबर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत का लेकिन कहना है कि उनकी सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है और जनता इसे देख रही है। उत्तराखंड की जनता देखेगी और वो न्याय करेगी। दिल्ली में भी लोगों ने कोशिश की थी तो उसका परिणाम देखा है। भारत की जनता सब समझती है, उत्तराखंड की जनता भी सब समझती है। सरकार ठीक चलेगी? देखिए, सरकार को कुछ नहीं होने जा रहा है क्योंकि हमारे साथ जनता का विश्वास है, जनता का आशीर्वाद है और बाबा केदार बद्री का आशीर्वाद है। और इसी पर हम और विस्तार से जानकारी लेते हैं। हमारे राजनीतिक संपादक अमिताभ सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमिताभ, क्या देखे? एक तरफ हरीश रावत ये भी कह रहे हैं कि नहीं, सरकार को कुछ नहीं होने जा रहा है, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि सरकार गिराने की तैयारी है। क्या आप तक जानकारी मिल पा रही है, कितने विधायक अगर टूटते हैं तो कितने विधायक टूट सकते हैं? देखिए, जो अभी औपचारिक रूप से तो कुछ कहा नहीं जा रहा है, लेकिन कम से कम 12 विधायकों की बात हो रही है। लेकिन जहां तक बीजेपी का सवाल, मैं आपको बता दूं, अभी मुख्य विपक्षी दल है बीजेपी, वहां पर पूरी घटनाक्रम पे बीजेपी नेताओं का कहना है कि वो पैनी नजर बनाए हुए हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, कांग्रेस ही इस पर अंतिम फैसला करे। यानी कुल मिलाकर स्थितियां हिमानी बन रही है जैसे अरुणाचल में बनी थी। एक अलग गुट बन के कांग्रेस के उभर कर सामने आया था, कोर्ट अदालत में मुकदमे चले, सुप्रीम कोर्ट की नजर गई उस पर गवर्नेंस रूल लगा वहां पर, उसके बाद वापस अब जो सरकार बनी है वो बीजेपी समर्थित सरकार है। तो जाहिर तौर पर एक स्थिति जो उत्तराखंड में बन रही है, छोटे राज्यों की यही मुश्किल है कि एक दो अगर सीटों का फासला हो तो उसमें सरकार गिरने का काफी खतरा होता है। अंदरूनी नाराजगी है वहां पर, अगर कांग्रेस इसको सुलझा पाती है तो ठीक है, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो सकती है कांग्रेस की सरकार के लिए। क्योंकि जी बिल्कुल, लेकिन ये कोई नई नाराजगी नहीं है, ये काफी टाइम से चलती आ रही है। दो गुटों का मामला हमने इससे पहले भी देखा था कि किस तरह से सामने निकल कर आया, अभी तक उस स्थिति को नहीं कंट्रोल कर पाई है। ऐसे में अब यहाँ क्या देखें? देखिए, आपको याद होगा जब बीजेपी की सरकार थी तो कई मुख्यमंत्री बदल गए थे। अगर अंत में आपको याद होगा जब जनरल खंडूरी को बनाया गया था, रमेश निशंक बने थे काफी दिन तक। तो एक छोटे राज्यों की यही 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 सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि अगर संतुष्ट नहीं हो विधायक तो सरकार गिरने की कगार पर आ जाती है, और यही हालत अभी कांग्रेस सरकार की हो रही है। क्योंकि साफ तौर पर विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको हटाकर बनाया गया हरीश रावत को, उनकी अपनी नाराजगियां होंगी, कई पार्टी के जो नेता हैं उनकी अपनी नाराजगियां हैं। तो जाहिर तौर पर इन 10-12 जो भी लोग हैं उनको कांग्रेस को मनाना होगा, अब साथ बैठकर बात करनी होगी, उनकी नाराजगी दूर करनी होगी, नहीं तो वो कांग्रेस छोड़ देंगे। केंद्र में बीजेपी सत्ता में है, गवर्नर इनके हिसाब से है, तो अगर अरुणाचल फार्मूला भी अगर यहाँ पर दोहराया जाता है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ चुका है, तो बीजेपी की पैनी नजर सरकार में तब्दील हो सकती है। बिल्कुल, ये एक बड़ी बात यहाँ पर होगी। तो अब कांग्रेस को ये देखना है कि कैसे आखिर वो इस स्थिति को कंट्रोल में करती है। कुछ विधायक हैं जो कि पाला बदल सकते हैं, इस तरह की जानकारी मिल रही है। तो उत्तराखंड सरकार जो है वो मुश्किल में है। अब आपने खुद यहाँ पर सुना कि मुख्यमंत्री हरीश रावत यहाँ पर कह रहे हैं कि सरकार गिराने की तैयारी हो रही है। आइए आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है खुद मुख्यमंत्री का, या फिर किस तरह के रिएक्शन इस पर मिल रहे हैं। ये उत्तराखंड की जनता देखेगी और वो न्याय करेगी। दिल्ली में भी लोगों ने कोशिश की थी तो उसका परिणाम देखा है। भारत की जनता सब समझती है, उत्तराखंड की जनता भी सब समझती है। सरकार ठीक चलेगी? देखिए, सरकार को कुछ नहीं होने जा रहा है क्योंकि हमारे साथ जनता का विश्वास है, जनता का आशीर्वाद है और बाबा केदार बद्री का आशीर्वाद है। जी हाँ, तो यहाँ पर हमने आपको सुनवाया कि क्या कुछ कहना है। एक तरफ हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, सरकार को बद्री का उनका आशीर्वाद है, लेकिन दूसरी तरफ वो एक जो स्थिति बनी हुई है फिलहाल, या जिस तरह की एक नाराजगी जो निकल कर लाठी के साथ उस मासूम बेजबान घोड़े को कौन मार रहा, क्योंकि वो इंसान नहीं, वो बोल नहीं सकता, मैं जानता है ना उसमें। मैं समझती हूँ कि ये बहुत नीचे उतर कर राजनीति करने का एक तरीका। उत्तराखंड के बीजेपी लीडर का बयान आया, कहा गया कि कांग्रेस के विधायक और मंत्री उनके टच में हैं,
और जो है सरकार है वो खतरे में है। अब देखिए, मेरे को तो इसका इतना ज्ञान नहीं है, मैंने कई विधायकों से और सीनियर लीडर से मैं स्वयं संपर्क में हूँ। जब भी बजट सेशन आता है इस तरह की अटकलें लोग लगाते हैं। मुझे मालूम है कि कोई भी वरिष्ठ कांग्रेस का नेता, एमएलए, दूसरा पदाधिकारी ऐसी कोई बात नहीं करेगा जिससे कांग्रेस पार्टी को चोट पहुंचे। तो यहाँ आप अंबिका सोनी जी को सुन रहे थे जो कि ये कह रही हैं कि इस तरह की कोई हरकत नहीं होगी, या जो पाला बदलने की बात है इस तरह की कोई चीज़ नहीं होगी जिस तरह से पाला बदलने की यहाँ पर बात आ रही है। और इस वक्त सीएम एडवाइजर रंजीत रावत जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उन्हीं से हम जमीनी हकीकत यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। रावत जी, क्या कुछ आप बताएंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन तो आपको भी होंगी? नहीं, जो भी बातें आ रही हैं मीडिया के माध्यम से ही आ रही हैं। उठापटक चल रही है यहाँ पर। अभी सदन जो है व्यवस्थित रूप से चल रहा है, विधानसभा का सत्र शुरू हो गया है और आराम से चल रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री खुद इस खतरे का अंदेशा जता रहे हैं अपनी बात में। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि जो मीडिया के माध्यम से खबरें मिली हैं, क्योंकि अभी तक कांग्रेस के किसी सामान्य सदस्य ने ऐसी कोई बात स्वयं नहीं कही है। कुछ विधायक ऐसे हैं जो कि बीजेपी के संपर्क में हैं? नहीं, अब ये कहना बड़ा मुश्किल है कि संपर्क में हैं। ये तो ऑन द फ्लोर जब इसमें सारे सदन चल रहा है वहाँ कोई बात आएगी तो तभी समझ आएगी। लेकिन कुछ नाराजगी तो है जो अंदर खाने से निकल कर आई है, क्या वो नाराजगी है? नाराजगी कहाँ नहीं होती, हमारे परिवार में भी होती है, तो बड़ा संगठन है। मतलब आप मान रहे ना कि सर नाराजगी तो है? नाराजगियाँ इस लेवल तक नहीं जाती है जैसा अंदेशा लगाया जा रहा है। लेकिन रावत जी, आप ये तो मान रहे ना कि नाराजगी है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि मैं ये कह रहा हूँ नाराजगियाँ कहाँ नहीं होती है। अगर नाराजगियाँ इस लेवल तक नहीं जाती, कांग्रेस की विचारधारा से जो लोग जुड़े हुए हैं वो ऐसा कृत्य नहीं कर सकते। खबर ये भी है कि हरक सिंह रावत और विजय बहुगुणा पाला बदल सकते हैं। ये तो समय बताए। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ रंजीत रावत जी जो कि सीएम एडवाइजर हैं, वो हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए थे। हालांकि कुछ भी वो अभी यहाँ पत्ते नहीं खोलना चाह रहे हैं, कुछ भी ऐसी बात उन्होंने यहाँ पर नहीं बताई है। उन्होंने नाराजगी से भी इनकार नहीं किया है, लेकिन कुछ भी यहाँ पर साफ कहने से भी इनकार कर दिया है। हमारे सहयोगी और हमारे राजनीतिक संपादक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, अमिताभ सिन्हा। अमिताभ, क्या हम देखें अभी जो स्थिति है, 70 में से अगर हम देखें तो कांग्रेस के पास 36 और बीजेपी के पास 28, जो स्थिति अभी है क्या अब अगर समीकरण बदलते हैं तो क्या कुछ हो सकता है, क्या जानकारी आपके सोर्सेज आप तक दे रहे हैं? देखिए, दो चीजें मैंने बीजेपी के आलाकमान का यह कहना, हालांकि दो बड़े नेता उत्तराखंड में बैठे हैं देहरादून में, तमाम चीजों पर नजर रखे हुए हैं, लेकिन आलाकमान का यह कहना है कि मुख्य विपक्षी दल होने के नाते पूरे घटनाक्रम पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। बीजेपी जानती है कि स्पीकर कांग्रेस के हैं, स्पीकर कांग्रेस सरकार के हैं, दल बल दल विरोधी कानून के हिसाब से 12 विधायक अपनी पार्टी छोड़कर अगर बीजेपी में शामिल होते हैं तो उनकी सदस्यता चली जाएगी। ये बात भी दल बदल विरोधी कानून कहता है, कम से कम 2/3 सदस्य चाहिए अलग पार्टी बनाने के लिए। तो सबसे बड़ी मुश्किल यहीं पर आएगी, अगर स्पीकर अपने पसंद का नहीं हो, अगर अपने फेवर का नहीं हो, तो विधानसभा में उन 12 लोगों के वोट खारिज किए जा सकते हैं, उन 12 विधायकों के खिलाफ पार्टी कार्रवाई कर सकती है। अभी फिलहाल हो सकता है प्रेशर टैक्टिक्स हो, लेकिन अरुणाचल में कुछ दिन पहले ऐसे ही घटनाक्रम हुआ था, ऐसे ही एक दर्जन विधायक अलग होकर अलग गुट बनाकर उनके साथ शो ऑफ स्ट्रेंथ हुआ था। तो जाहिर तौर पर ये एक फॉर्मूला सामने है जिस पर कोर्ट का जजमेंट भी है, कोर्ट की रूलिंग भी है और राष्ट्रपति शासन का भी पूरा स्कोप है। तो जाहिर तौर पर उत्तराखंड में संकट है अभी, लेकिन इस संकट को कांग्रेस अगर दूर नहीं करती है तो बीजेपी के पास गणना के लिए काफी वक्त रहेगा फिर। बिल्कुल, फिलहाल शुक्रिया करेंगे हम हमारे राजनीतिक संपादक अमिताभ सिन्हा का इस तमाम जानकारी के लिए। तो प्रेशर टैक्टिक्स जो है कहीं ना कहीं वो भी अपनाई जा रही है, लेकिन क्या यहाँ पर होगा थोड़ा सा हमें अभी यहाँ पर इंतजार करने की जरूरत है। लेकिन इस चीज से खुद मुख्यमंत्री भी इनकार नहीं कर रहे हैं कि सरकार को खतरा है।